नगर पालिका परिषद चुनाव संपन्न होने के बाद अब लोग राजनीतिक गुणा भाग करने में लग गए हैं। अध्यक्ष पद पर कौन बाजी मारेगा व किस वार्ड से कौन सभासद जीतेगा, सभी का भाग्य बक्सों में बंद है जो 20 नवंबर को खुलेगा। लेकिन चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ ही आम जनता भी चुनाव के गणित पर नजर रखे हुए है। मसूरी देश की प्रतिष्ठित नगर पालिका है। मसूरी में कौन अध्यक्ष बनेगा इस बात की प्रतीक्षा सभी को है। अध्यक्ष पद पर कुल 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच सिमट गया व कांटे की टक्कर रही है। अब लोग अपने हिसाब से गुणा भाग कर रहे हैं। जो मतदाता का जिसमें जेन्युइन नाम जो छूटा है वो 100% मतदाता की कमी है। कुछ हमारे लोगों की कमी है कि हम लोगों को पहले लिस्ट को देख लेना चाहिए था, प्लस मतदाता की भी दिक्कत है, उसे देखना चाहिए था, अपना नाम नहीं दिखा। खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। सुधार की जरूरत है कि आगे जब इस तरह की सूचियां बनेंगी तो उसमें हम लोग जनता के प्रति भी ये मैसेज देंगे कि भाई अपना अपना नाम सब लोग जो है चढ़ा लें, और उसमें बाद में ताकि ये दिक्कतें ना आए जब वोट डालने जाते हैं। लोग अभी 1-1.5 घंटे से कांग्रेस भवन में बैठे थे, हमने बारीक आकलन करा, और आकलन करने के बाद हमारा जो अपना नतीजा निकला वो निकला कि हम जीत के और अग्रसर हैं। ये सबसे पहले तो मैं अपने जो भारतीय जनता पार्टी के मसूरी मंडल के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का और पूरी मसूरी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जो है यहां पर इतनी मेहनत करी है, 1 महीने से पूरे कार्यकर्ता जी जान से यहां पे लगे रहे, और मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत निश्चित ही यहां पर जो है एक अच्छे रिजल्ट के रूप में करेगी, और हम आश्वस्त हैं कि हमारी जो है यहाँ पे जीत होगी। देखिए, आज की दिनचर्या का शुरुआत सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लेके करी, और हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच आज समीक्षा कर रहे हैं और कल के एजेंट की तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से कल हमारा एजेंट बनाया जाए। आज की दिनचर्या यही है कि सब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय मुख्य है। गणित तो जिस तरीके से मसूरी की जनता का, महान जनता का रुझान है, गणित उसमें यही लग रहा है कि हमें कांग्रेस को जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है और जनता हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल जिस तरीके का रुझान है तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम बहुत रिलैक्सेशन से लड़ रहे हैं, मेहनत बहुत की है, मतलब मेंटली हम लोग टेंशन में नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि सम्मानित जनता इस बार अपना बहुमत, अपना विश्वास हमको देगी। अब मेहनत की है, और मैं समझता हूँ कि लोग वोट इसलिए भी करेंगे क्योंकि केंद्र में और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और इस बार लोगों ने मन बना रखा था। आपने देखी होगी रैली, उसमें 98% वोटर था, कोई भी एक पैसा कहीं किसी पे खर्च नहीं हुआ, और हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो ABBP हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा है, और सभी मोर्चे जितने हमारे मंडल हमारे, बहुत मेहनत से काम किया, और मैं समझता हूँ कि हम अच्छे मार्जिन से यहाँ पर सीट को जीते। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट।